महोत्सवों में कहाँ कहाँ पर जो है ये जो बेंचेस है वो होने वाली है डिस्ट्रीब्यूट, थोड़ा सा सर उस बारे में बताइए और आज के इनिशिएटिव के बारे में बताइए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हमने वर्सोवा एरिया में पूरी सभी जगह पे जितनी सोसाइटी से मांग आई थी सब जगह पे बेंचेस देने की कोशिश की, और आपको पता है ये MLC कपिल पटेल है, ये उनके फंड से ये उन्होंने प्रदान की है। और सर जैसे आपने बताया कि बहुत सारी जगहों से डिमांड आई थी, तो मैं जानना चाहूँगा सर कौन सी जगह पर और मतलब एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, पूरी अंधेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्सोवा कॉन्स्टिट्यूएंसी दोनों जगह से काफ़ी डिमांड आ रही है बेंचेस के लिए, और जहाँ तक हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स वो पूरा करें। सर आप बताइए आपकी सोसाइटी में जो है इस तरह की बेंचेस लग गई है, कितना मतलब यूजफुल होने वाला है ये आप सब लोगों के लिए? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आज से डेढ़ दो साल पहले इंसिडेंट हो गया था लोखंडाल में, फर्स्ट क्रॉसिंग में सीमेंट बेंच थी, फाउंडेशन वीक था, तो बच्चा उस पर खड़ा था तो बेंच टॉपल हो गई, बच्चे के सर पे गिरी, बच्चा गुजर गया, उसका स्कल जो है फ्रैक्चर हो गया। तो तब से नॉन सीमेंट बेंचेस जो पहले ट्रेडिशनली बेंचेस थी उसका डिमांड जो है फुल ड्रॉप हो गया, एंड पीपल वांटेड ये हाइब्रिड बेंचेस जो प्लास्टिक की है, लाइट वेट है एंड स्टर्डी है। तो जब ही कॉल साहब ने बोला कि ऐसा ऐसा बेंचेस हम अरेंज करके दे रहे सोसाइटीज़ के लिए, तो हम लोगों ने बोला कि यू नो हमारे कुछ सोसाइटीज़ हैं उनको प्लीज़ हेल्प कीजिए, तो उन्हें इमीडिएटली अग्री किया और आज से हम लोग चालू कर रहे हैं फॉर वार्ड 60। और एकता मंच और कपिल साहब ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है सर, उसके लिए क्या कहना चाहिए? स्टेलर इनिशिएटिव, क्योंकि इट्स नॉट बी लुक्ड ओनली एज बेंच, ये बेंच खाली नहीं है, इट इज़ फॉर पीपल। क्या है कि कोरोना में लोग नीचे आ नहीं रहे, तो क्या है कि ऐसा पब्लिक सीटिंग के लिए कुछ सेवा हो रही है बहुत ज़रूरी है नीचे, क्योंकि वरना सोसाइटीज़ में क्या है कि आजकल थोड़ा किल्लत चालू है, तो उसके लिए दिस इज़ वेरी मच नीडेड। तो वैसे भी ये बेंचेस चेंज करने वाले थे, लेकिन जब पता चला कि अजय सर हमको ये लेके दे रहे हैं और कपिल पाटिल साहब ने साथ में ये किया, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि हम लोग जैसे इन्होंने बोला वो सीमेंट बेंचेस इवन वी वांट टू रिमूव इट, तो अभी वो निकाल के हम लोग यही सब बेंचेस लगा देंगे वहाँ पे, विच इज़ फॉर द सेफ्टी एज वेल एज एल्डरली पीपल जो यहाँ पे ट्रैक पे वॉक करते हैं, थक जाते हैं तो बैठने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं होती है, अभी क्या वो आराम से बैठ सकते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? इनिशिएटिव में तो साहब ने जो बताया वही है, वही ज़रूरी चीज़ थी और एक अच्छा काम हो रहा है बहुत, और क्या हो रहा है। सर आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कपिल पाटिल साहब ने जो आप लोगों को जो सपोर्ट मिला है इस समय, मतलब आगे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह का सपोर्ट? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट है प्लीज़ मुझे बताते रहिए और जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल कर सकता हूँ करूँगा। आपको धवल भाई ने तो बताया होगा वो एक्सीडेंट के बारे में जहाँ पे बच्चे की जान चली गई है, सेफ्टी एस्पेक्ट से ये इस तरीके का जो बेंच है वो बहुत जरूरी है। अभी हुआ क्या है, वो एक्सीडेंट के बाद काफी सोसाइटीज ने निकाल तो दे दिया, अभी आपने देखा होगा ये सोसाइटी में भी एक आध बेंच तो बच गया है, रह गया है। वो बेंच को रिप्लेस करने के लिए सोसाइटीज जनरली पैसा इकट्ठा नहीं कर पाती, कोई सोसाइटीज लोअर मिडिल क्लास लोगों की होती है, कोई मिडिल क्लास लोगों की होती है। वर्सोवा विधानसभा में, अंधेरी विधानसभा में, वर्सोवा विधानसभा में काफ़ी सोसाइटीज है जो फाइनेंशियली ये बेंचेस रिप्लेस नहीं कर पा रही है, इसीलिए उनका ये रिक्वेस्ट रहा है काफ़ी सालों से। तो प्रशासन या कोई NGO जब कोई समझो ड्राइव करती है तो ऐसे सोसाइटीज़ को इसका बेनिफिट हो जाता है। अब इन्होंने दयाल जी ने ये भी बताया कि कोविड में लोग घर के अंदर फंसे हुए हैं, अब आप देखिए मेरी बात ले लीजिए, कोविड के बाद हेल्थ का काफ़ी प्रॉब्लम रहा है, ये बैक पेन होता है, लेग्स पेन होते हैं, तो जब सीनियर सिटीजन नीचे कंपाउंड के अंदर एक चक्कर काटने के लिए आते हैं थक जाते हैं, एक राउंड के बाद थक जाते हैं, तो उनको बैठने के लिए कोई एक सेफ जगह चाहिए, और अगर सोसाइटी के अंदर एक ही बेंच हो तो आप सोचिए सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर पाते, बेचारे सीनियर सिटीजन जो है वो लोग ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये सहूलियत हो गया है, अगर दो बेंच एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग में बैठ के आराम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया अजय जी ने, एकता मंच ने, जहाँ के सीनियर सिटीजन हुए, बच्चे हुए या कोई भी पीड़ित लोग हैं जिनके जिनका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, सोसाइटी के अंदर एक आध राउंड मार के आदमी बैठ भी सकता है, आराम से
10 मिनट बैठ के अपना फ्रेश एयर है, अपना खुला हवा सांस लेके वो आराम करके फिर घर जा सकता है। जगह जगह पर सर आश्वासन मिलते हैं, आश्वासन नहीं देते हुए दो दिन के अंदर में बेंचेस हर जगह पर पहुंचाए जा रहे हैं एकता मंच और अंदर कपिल पाटिल की तरफ से, क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये तो अजय कुमार जी का खासियत है, आपको लेटर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप अजय कुमार जी के ऑफिस में पहुंच जाइए, अजय जी के पास पहुंच जाइए। ये जल्द से जल्द, ये 24 आवर्स तो कम, बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो कम समय के अंदर इनका एक्शन ऑलरेडी शुरू हो जाता है, आपका प्रॉब्लम जो है एड्रेस करना शुरू हो जाता है। थैंक यू। इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव बाय कौल साहब, और इसमें क्या है कि इन बहुत इजी है, हम लोग को बहुत इजी एक्सेस, इसलिए है कि इनके पास रिक्वेस्ट जाता है तुरंत बेंचेस जैसे हैं सोसाइटी के लिए डिलीवर हो जाती है। नहीं तो अगर हमें आज सोसाइटी के लिए बेंचेस चाहिए तो हमें बहुत सारा प्रोसीजर है या बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है, और ये एक आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर और सर हम सब मिल के, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव वो चीज़ के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको एक बेंच जैसी चीज चाहिए, सिंपल सी चीज चाहिए, और अगर उसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ा, हाँ किसी के पास जाके गिड़गिड़ाना पड़ा, तो आप सोचिए कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग सोसाइटी हुआ या कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हुआ, सोसाइटी का जो ऑफिस बेरर हुआ, वो ये करना चाहेगा क्या? आप जाइए एकता मंच के ऑफिस में जाइए, आप सिंपल सा एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि भाई मुझे हमारे सोसाइटी के अंदर हमको दो बेंचेस की ज़रूरत है, और वो आपको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं, एक बार बता दिया आपने काम हो गया। दैट इज़ एग्जैक्टली द वे यू हेल्प पीपल, यू डोंट मेक देम फील दैट यू आर डिप्राइव्ड पर्सन एंड दैट यू नीड टू बेग फॉर असिस्टेंस, यू डोंट नीड दैट। This is the simplicity of एकता मंच। सर यही सवाल है आपसे कि जैसे सर ने भी कहा कि बहुत ही इजीली उन्होंने सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट की और यहाँ पे आ गया, नहीं तो फिर प्रशासन में बहुत सारे लेटर्स और वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, सर उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए एकता मंच का यही ऑब्जेक्ट रहा है कि किस तरह से लोगों की सेवा की जाए, और आपको यकीन दिलाऊं कि ये काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि हम अपने सभी घर वालों के साथ जुड़े हैं। आप यकीन नहीं जानोगे कि 15 दिन के अंदर एकता मंच रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ 210 सोसाइटी के लोग जुड़ गए हैं, और उसका उद्घाटन हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं, तो ये सब अभी एकता मंच की फैमिली हो गए एक साथ। इनिशिएटिव लगातार एकता मंच लेते आ रही है, और अब जो इनिशिएटिव लिया है, जो सीटिंग बेंचेस सबके लिए जो अरेंज किए, क्या कहना चाहेंगे? हमने इस वीक में वर्सोवा कवर किया यारी रोड, अभी आज हमने शुरू किया लोखंडवाला के लिए, तो काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज आप देख रहे हैं कितने लोग आए हैं यहाँ पर हमारे साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही हम देखते हैं कि सारे सोसाइटीज़ में हमारे बेंचेस पहुँच जाए। हमारे दूसरे काम भी चालू है, काफ़ी सोशल वर्क चालू है, तो हम हर सिटीज़न तक पहुँचना चाहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैडम यहाँ पर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, नेताओं की तरह आश्वासन ना देते हुए अजय कुमार सर ने डायरेक्टली मदद करने का जो कार्य अजय कुमार सर कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, अदरवाइज हर इलेक्टेड मेंबर्स के पास हमको हर चीज़ के लिए हर काम के लिए लिख के देना पड़ता है, या हर बार उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, और हमको खुद ही सब बहुत जगह पे तो हमको खुद ही उतरना पड़ता है काम करने के लिए, तो यहाँ पर ऐसे नहीं है। आज हम हमारे जनसंपर्क कार्यालय भी खुले हैं, जहाँ पर कोई भी अपनी कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, तो हमारे पास आ सकते हैं। हम लोग एकता मंच की तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम सभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और यही इच्छा है हमारी, मतलब फ्यूचर में बहुत मतलब काम करना चाहते हैं हम लोग। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।